स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जो कि चेंज नहीं होता और यूज़र केवल उसको पढ़ सकता है। उसका कंटेंट सब यूज़र के लिए सेम रहता है। डायनामिक मतलब गतिशील, जो कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता है। जैसे लॉगिन पेज, जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करते हैं और फिर पेज हमें बताता है कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं। इस पर कंटेंट भी यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ऐसा डायनामिक पेज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रकार का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट के कंप्यूटर पर ही चलता है। स्क्रिप्ट मतलब होता है कोडिंग लैंग्वेज जो ब्राउजर समझ सके। आइए देखते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाया हुआ सिंपल कैलकुलेटर। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए HTML की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिजाइनिंग का काम HTML का ही होता है। मगर HTML केवल स्टैटिक पेज बनाता है। बटन एंड टेक्स्ट बॉक्स हम HTML के थ्रू बनाते हैं, मगर इनका फंक्शन क्या होता है यह जावास्क्रिप्ट के थ्रू बताते हैं। जैसे कि इस पेज पर हमने 3 इनपुट बॉक्स रखे हैं और 4 बटन, जिनका अलग अलग काम है। इस पेज की कोडिंग वीडियो के अंत में दिया गया है। जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए सर्वर से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहलाता है। अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट के टाइप्स के बारे में। इंटरनल जावास्क्रिप्ट, इसमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग HTML फाइल के अंदर ही होता है, इसलिए इसे इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहते हैं। इसमें कोड को हेड और बॉडी सेक्शन के बीच में लिखा जाता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यानी बाहरी जावास्क्रिप्ट, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड एक दूसरे फाइल में रखा जाता है और HTML फाइल में उस फाइल का लोकेशन या सोर्स बताते हैं। जिस फाइल में जावास्क्रिप्ट रखते हैं उसको JS एक्सटेंशन से सेव करना होता है, तभी ब्राउज़र उसको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की तरह पहचानेगा। अपने HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का लोकेशन बताने के लिए किया जाता है। ये एग्जांपल है इंटरनल जावास्क्रिप्ट का, जिसमें जावास्क्रिप्ट का केवल एक लाइन लिखा गया है, अलर्ट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अलर्ट कमांड का प्रयोग हमारे दिए गए मैसेज को एक अलर्ट बॉक्स में दिखाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये HTML फाइल है जिसमें इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, इसलिए इसका एक्सटेंशन HTML ही रहेगा। अब हमारी फाइल हमारे ब्राउज़र में ओपन होने के लिए तैयार है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, अलर्ट बॉक्स हमारे मैसेज को डिस्प्ले करेगा। जब हम इसके ओके बटन को क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट बॉक्स हट जाएगा और हमें HTML का टेक्स्ट दिखेगा। अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट के कमांड, जिसके द्वारा हम यूज़र से कोई डाटा एक्सेप्ट करते हैं और उसको कोई मैसेज वेब पेज पर डिस्प्ले करते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें यूज़र से इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट कमांड या मेथड देता है। अब यूज़र को एक इनपुट बॉक्स दिखेगा और जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। वेयर कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल बनाने के लिए किया जाता है। इस एग्जांपल में जावास्क्रिप्ट द्वारा दो वैल्यूज़ यूज़र से लिया जा रहा है, क्योंकि इन दो वैल्यूज़ को नंबर फॉर्म में लेना है ताकि हम उनको ऐड कर सकें, इसलिए पार्स INT फंक्शन का यूज़ किया गया है। जो भी इनपुट हम प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स INT फंक्शन यूज़ किया गया है। अब इस कोड को चला कर देखते हैं। इस प्रकार से हमें दोनों नंबर का सम वेब पेज पे देखने को मिलेगा। अब इस इंटरनल जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने फाइल को नोटपैड में ओपन करेंगे और जावास्क्रिप्ट वाला कोड कट कर लेंगे। कट करके इसको दूसरे फाइल में पेस्ट करेंगे और ध्यान रखिए इसको JS फाइल एक्सटेंशन से सेव करना होगा। नीचे फाइल टाइप्स में ऑल फाइल सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। अब वापस अपने HTML फाइल में जाएंगे और स्क्रिप्ट टैग के सोर्स एट्रीब्यूट में JS फाइल का नाम लिखेंगे।